वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज पठानिया और आज हम आपके लिए जो है वो इंजीनियरिंग फिजिक्स की लेक्चर सीरीज लेके आ रहे हैं। और इसका जो सिलेबस है वो हम जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसको देंगे। और जो भी इंजीनियरिंग फिजिक्स में है हम कोशिश करेंगे कि आप बच्चों का, क्योंकि टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए, तो हम कम टाइम में आपको एक अच्छा क्वालिटी के साथ मटेरियल और हम जो है लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स जो है वो बेसिकली बीटेक फर्स्ट ईयर्स में है और ये बीएससी में भी इसके टॉपिक्स हैं। और बेसिकली इंजीनियरिंग फिजिक्स और काफ़ी सारे कॉम्पिटेटिव मतलब एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्या है इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले हम बात करते हैं कि इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो हम आज जो बेसिक कॉल है वो मतलब यूनिट वन का हम ओवरव्यू आज पढ़ेंगे और कल से हम जो है वो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, दैट इज गिवन बाय द आइंस्टाइन इन 1905। अंडरस्टैंड नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें सबसे पहला जरूरत है सोचने की कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड दिस रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जिसे हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड, तो इससे पहले हम बात करें, हम बेसिकली फिजिक्स को चार डोमेन्स में बांटते हैं। फर्स्ट इज क्लासिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड द क्वांटम फील्ड थ्योरी। इसको हम डिफ्रेंशिएट किस तरह से करेंगे, ये हमारा इस तरफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इट इज द सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इस तरफ आप साइज की बात करेंगे, साइज जो अब वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब साइज इज सर्फ, तो साइज एंड वेलोसिटी की टर्म में हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और इनकी हर इंपॉर्टेंस मैं अभी आपको आगे डिस्कस करेंगे और कमिंग लेक्चर सीरीज में इसके बारे में हम और ज़्यादा डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी वो बेसिक जो भी हमारे फिनोमिनन है फिजिक्स के, वो क्लासिकल फिजिक्स ही डील करती थी 1905 पे। फिर जो है वो आइंस्टाइन ने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स थी, अंडरस्टैंड, और ये क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली हमारे न्यूटन्स लॉ है, इसे हम बेसिकली न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं, अंडरस्टैंड। और ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है जो कि श्रोडिंगर और बोर्स इन सब का जो वो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसका क्वांटम फील्ड थ्योरी जो कि पॉली एंड ड्रैग। तो हमारा जो सिलेबस में जो आज हम कवर करेंगे वो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और आपका एक यूनिट जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स भी है। ठीक है, अब कवर हो जाएगा व्हाई वी नीड दीज टू यूनिट्स इन द इंजीनियरिंग फर्स्ट फिजिक्स। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। अब यहां से देखिए बच्चों, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी सी से बहुत कम है, अंडरस्टैंड। तो हमारे पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी, वो जो हमारे फिनोमिनन थे उनको एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल, मतलब सक्सेसफुल हो गया। आफ्टर दैट, पर जैसे कि हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ MA, हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, यदि वो मूव कर तो उसका फोर्स हमें कैलकुलेट करने है, तो MA हम यहाँ पे फार्मूला न्यूटन्स लॉ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, पर ये एप्लीकेबल कहां तक है, जब वेलोसिटी सी से बहुत कम है। जैसे ही वेलोसिटी सी को अप्रोच करेगी तो क्या हुआ कि ये क्लासिकल जो मैकेनिक्स है वो उस उन फिनोमिनन को एक्सप्लेन करना है, मैं उनमें जो वो डेविएशन आई, जो भी उनकी फार्मूलाज थे उनमें जो डेविएशन आई, तो आइंस्टाइन ने फिर अपनी एक रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, मतलब कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे हम बेसिकली जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं, उसके अंदर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो हम यहाँ पे बेसिकली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करेंगे। ठीक है,
तो जैसे ही वेलोसिटी अप्रोच करती है, और साइज, यहां पे साइज बेसिकली हम डिवाइड करते हैं अप्रोक्सीमेट माइक्रोन तक, यहां पे साइज हमारा पास जैसे सेंटीमीटर से स्टार्ट होके नैनोमीटर ऑंगस्ट्रॉम तक शुरू होता है, तो यहां से हम सपोज करो इट इज एमएम या सेंटीमीटर से हम स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ही अप्रोक्सीमेट है, ठीक है बच्चों, ये माइक्रोन, माइक्रोन मींस द साइज ऑफ द पार्टिकल इज बेसिकली ऑन द 10^-6 मीटर, मतलब आप ये मान सकते हैं कि आपका जो हेयर का जो डायमीटर है वो माइक्रोन है, तो आप इससे इमेजिन लगा सकते हैं, इससे कम का साइज में तो भी क्या हो गया, ये क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी वो भी क्या हो गया, उसमें भी डेविएशन, वो फिनोमिनन आना शुरू, जो फिनोमिनन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो फिर श्रोडिंगर ने क्या कर दिया, क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसने फिर अपनी एक इक्वेशन दी, अंडरस्टैंड, सो उस इक्वेशन की हेल्प से जो, तो वो स्मॉल साइज के पार्टिकल की जो जो जैसे हम बात करते हैं कि मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है, एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम बेसिकली क्वांटम मैकेनिज्म मतलब कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसी तरह जैसे कि हम क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटोनियन मैकेनिक्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी, अब हमारा मेन फोकस है रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो जैसे यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए है, तो यहाँ पे आके F इज गामा क्यूब एम ए हो जाएगा। भी गामा क्या है, ये वो फैक्टर है जो कि आपके जब पार्टिकल की स्पीड या रिलेटिव स्पीड जो होगी दैट इज अप्रोचिंग टू सी, तो ये देन फोर्स इज गामा। तो ये देखिए न्यूटन्स सेकेंड लॉ भी क्या हो गया, इट डेविएट। तो गामा यहाँ पे बेसिकली क्या है, गामा जो है दैट इज 1/(1-b²/c²), ये हम पढ़ेंगे आगे अपने लेक्चर में गामा कहाँ से आया, ठीक है। जब हम वेलोसिटी कम करते जाएंगे इस तरफ आएंगे तो अगेन गामा विल बी वन, तो अगेन दिस न्यूटन लॉ इज अगेन कन्वर्ट बैक इनटू द F इज इक्वल टू एम ए, दैट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ, अंडरस्टैंड। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो हम इसको बिल्कुल ओवरथ्रो कर दे, ठीक है। तो ये लिमिटिंग केस है रिलेटिविस्टिक जो है वो मैकेनिक्स का। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हम पॉसिबिलिटीज पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर, हम तो आज ही जाने कि क्यों हमें इस यूनिट की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो ये एफ इज अगेन कन्वर्ट एम ई, इसी तरह से हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, जब हम इस यूनिट पे आएंगे तो हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक डोमेन ऑफ फिजिक्स, अब बात करते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जो कि आइंस्टाइन ने 1905 में दी। तो ये पूरा जो हमारा यूनिट है इसका पूरे एक मैंने एक फ्लो चार्ट आप लोगों के लिए बना रखा है ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि सिलेबस बहुत कम है, मतलब और जिससे कि आप जो आपका जो वो पढ़ने में इंटरेस्ट और बने, ठीक है। और जैसे हम बात कर रहे हैं स्पेशल, जैसे हम बात करते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हम बात यहाँ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की करेंगे। ये बेसिकली हम पढ़ेंगे कि ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल है, और ये हमारा जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए एप्लीकेबल है। तो ये भी आइंस्टाइन ने दी थ्योरी, ठीक है। तो हमारा काम यहाँ पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे है। उसके बाद हम जो वो अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम करेंगे, उसके बाद हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हम पढ़ेंगे बच्चों, और इसका फेलियर, दिस इज द न्यूटोनियन मैकेनिक्स बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, और हम ये भी पढ़ेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द हाई स्पीड पार्टिकल्स, अंडरस्टैंड। उसके बाद फिर आइंस्टाइन के पॉसिबिलिटीज जो आइंस्टाइन की थ्योरी को लेके, फिर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि लॉरेंज ने एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी, उस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम जो है वो जो है जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टाइम डायलेशन वेलोसिटी एडिशन थ्योरम की हम बात करेंगे, रिलेटिविस्टिक मास की बात करेंगे, मास एनर्जी इक्विवेलेंस की हम यहाँ पे बात करेंगे आपके
सिलेबस में कुछ और इस पर बेस्ड जो जो मतलब मीन्स न्यूमेरिकल्स आते हैं बेसिकली लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मास रेजिकुलेंस टाइम डायलेशन वेलोसिटी एडिशन थ्योरम और रिलेटिविस्टिक मास थ्योरम। ठीक है तो बेसिक ये हम यहाँ पे कलम पढ़ेंगे ये जो वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है क्या। यहां से हम बात करेंगे रिलेटिव यदि आपको थोड़ा वर्ड है तो रिलेटिव। ठीक है और एक होता है बच्चों वर्ड एब्सोल्यूट। जैसे हम बात करते हैं कि जो है मतलब क्लासिकल सॉरी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग नथिंग इज एब्सोल्यूट एवरीथिंग इज रिलेटिव। जो भी मेजरमेंट हम करते हैं वो जो जो भी मेजरमेंट फॉर एग्जांपल लेंथ की हम बात करते हैं हम लेंथ को एब्सोल्यूट मानते हैं कि चाहे ऑब्जर्वर कहीं भी हो या जो भी मेजर करने वाला जो कि ऑब्जर्वर में मानो यदि कोई एरोप्लेन मूव कर रहा है तो उसकी लेंथ जो है वो हर ऑब्जर्वर के लिए इक्वल है दैट इज बेसिकली एब्सोल्यूट। ठीक है पर दिक्कत कहाँ आई दिक्कत यहाँ आई कि जैसे कि सपोज करो एरोप्लेन मूव कर रहा है और एक जो ऑब्जर्वर है वो उसकी लेंथ को मेजर कर रहा है वो एरोप्लेन के अंदर है। ठीक है अब उसने एक टेप से क्या किया उस एरोप्लेन के नोज और उसके टेल में जाके उसकी लेंथ को मेजर कर लिया सपोज और एक जो है वो अर्थ पे है। अब अर्थ वाले ने क्या किया टिग्नोमेट्रिक फार्मूला को यूज करके लेंथ की मेजरमेंट की। अब क्लासिकल क्या बोलता कि लेंथ दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए पर हुआ क्या कि दोनों की लेंथ में डेविएशन आई तो इसलिए जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हमें जरूरत पड़ी। तो हम पढ़ेंगे कि लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा टाइम डायलेशन होगा उस पर वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा रिलेटिव किसका मोशन का। हम बात करें कि मोशन का भी इफेक्ट आएगा। ठीक है बच्चों और इसके बाद फिर मास मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो रिलेटिविटी में हम बात कर देंगे कल हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है फिर उसके बाद हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पर पढ़ेंगे जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बेस थी वो उसके बाद वो फेल होगी कहाँ पे फेल हुई जहाँ पे वेलोसिटी सी पे अप्रोच करती जा रही थी। फिर उसके बाद लॉरेंट्ज़ ने एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी किसके लिए जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन दी बच्चों। ठीक है तो उसका फिर हम उसके एप्लीकेशन है उसकी हेल्प से हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो कि लेंथ जो है वो एरोप्लेन की कम दिखी कॉन्ट्रैक्ट दिखी जो कि अर्थ पे है उसको वो क्या है वो भी हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम उसको सॉल्व करेंगे। और फिर हम ये भी पता करेंगे कि यदि दोनों कि यदि एरोप्लेन यदि बहुत कम स्पीड में चल रहा है तो फिर से जो लेंथ दोनों के लिए एब्सोल्यूट हो जाएगी। ठीक है बराबर वो फिर हम क्लासिकल फिजिक्स में आ जाएंगे बच्चों। ठीक है फिर उसके बाद हम वेलोसिटी एडिशन थ्योरम फिर रिलेटिविस्टिक मास एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो ये हमारा पहले यूनिट का ओवरव्यू था और आपको देख रहे हैं बहुत कम टॉपिक्स हैं बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब ये जो आपका यूनिट है आपको बहुत मज़ा आएगा मैं मतलब उम्मीद करता हूँ हमारे लेक्चर सीरीज में एक एक लेक्चर हम कवर करेंगे। तो कल हम स्टार्ट करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।